हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल शाइनी रूप्स। कैसे हो आप सब? होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेरी वेल। आज बहुत दिनों बाद मैं एक संडे क्यू एन ए का वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे सवाल आ रहे थे और मुझे लगा क्यों ना एक संडे क्यू एन ए वीडियो बनाया जाए। यहाँ पे मैं आपके ही सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं आज का संडे क्यू एन ए। चलिए लेते हैं सबसे पहला सवाल। और यहाँ पे एल्विन रोथलेन, इन्होंने लिखा है कि कॉस्मेटिक एसेंशियल ऑयल के साथ क्या एलोवेरा जेल को मिक्स करके हेयर मास्क बना के अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप। और उन्होंने कहा है कि क्या, या फिर इसको किसी और तेल के साथ मिला के लगाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को आप एलोवेरा जेल के साथ मिला के भी अप्लाई कर सकते हो एज अ हेयर मास्क, या फिर आप इसको दूसरा तेल लाइक ऑलिव ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल इनके साथ मिक्स करके भी लगा सकते हो। रेशियो मैंने अपने वीडियोस में ऑलरेडी बता दिया है, तो उस रेशियो को मेंटेन करके आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इनका दूसरा सवाल है, डू यू हैव टिप्स फॉर स्कैल्प एक्नी और क्लॉक्ड फॉलिकल्स? एक्चुअली स्कैल्प एक्नी जो है ना, ये जाने में थोड़ा सा टाइम लेता है और इससे खुजली बहुत ज्यादा होती है। स्कैल्प एक्ने के लिए आप टी ट्री एसेंशियल ऑयल को ट्राई कर सकते हो। जो भी तेल, हेयर मास्क, हेयर पैक आप लगा रहे हो, उसके साथ आप टी ट्री एसेंशियल ऑयल को मिक्स करके अपने स्कैल्प पे लगाइए। टाइम लगेगा, एक दो हफ्ते में ठीक नहीं होंगे, लेकिन ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। कहते हैं दूसरा सवाल, तो यहाँ पे ज्योति, इन्होंने कहा है कि ये एक साल से हिमालया शैम्पू यूज करती है और अभी फिलहाल इस शैम्पू को ये चेंज करना चाहती है। तो उन्होंने पूछा है कि कोई हर्बल शैम्पू बताइए। तो सबसे पहली चीज, आपने अपने बालों का टेक्सचर मुझे नहीं बताया है, तो मुझे बताना अगली बार कि आपके बालों का टेक्सचर कौन सा है, उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए। कहते हैं तीसरा सवाल गाइस, तो यहाँ पे संध्या बक्सला, इन्होंने लिखा है कि आपका ये ड्रेस काफी खूबसूरत है, क्या आप इस ड्रेस का लिंक दे सकते हैं? एक्चुअली ये ड्रेस अभी अवेलेबल ही नहीं है, आपने जब कहा था उसके बाद मैंने चेक किया था, मैंने इसको मिंत्रा से लिया था, लेकिन अभी फिलहाल ये ड्रेस नहीं है, वहां पे दिखाई नहीं दे रहा है जिस ब्रांड से मैंने लिया था, सो अनअवेलेबल दिखा रहा है, सॉरी। तो चलिए लेते हैं और एक सवाल। यहाँ पे मधु मिश्रा ने लिखा है कि उनको लगता है कि वो डिप्रेशन में है, क्योंकि उनके बहुत सारे बाल झड़ रहे हैं। और उन्होंने ये भी लिखा है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर कंपनी का तेल लगाया था, केश किंग का, और उसका शैम्पू भी लगाया था, और उसके बाद बाल झड़कर आधे हो गए हैं, और वो हमेशा यही सोचती रहती है कि क्या उनके बाल फिर से वापस आ जाएंगे। देखिए, इसकी वजह से डिप्रेशन में मत जाइए। लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है, कभी बाल ज्यादा झड़ते हैं, कभी ठीक हो जाते हैं, कभी हमारा वेट गेन हो जाता है, कभी हम पतले हो जाते हैं, कभी पिंपल आ जाते हैं। ये जो सारी चीज है ना, ये सारे हमारे लाइफ के फेजेस हैं, तो इनको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो घर पे बैठ के मत सोचिए। डीआईवाई रेमेडीज को ट्राई करने के साथ साथ प्लीज गो एंड विजिट अ गुड डॉक्टर, उनको जाके दिखाइए, एक्सपर्ट्स की सलाह लीजिए, और ऑनलाइन आप यूट्यूब में या फिर किसी दूसरे साइट पे जहां पे भी आप वीडियोज देखते हो डीआईवाईज के, उनको ट्राई कीजिए। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा, तभी आप इससे बाहर निकल सकती हो। अगला सवाल, मोनिका दिवारकर ने लिखा है कि क्या वो लॉरियल पेरिस का ड्रीम लेंथ रिस्टोरिंग शैम्पू को केराटिन ट्रीटेड बालों के ऊपर इस्तेमाल कर सकती है? बिल्कुल नहीं, ये केराटिन ट्रीटेड बालों के लिए एकदम नहीं है, तो इसको इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो आपका ट्रीटमेंट खराब हो जाएगा। स्पेशलिस्ट जो शैम्पू आपको रेकमेंड कर रहे हैं केराटिन ट्रीटेड बालों के लिए, उसी को इस्तेमाल कीजिए, तभी आपके बाल अच्छे रहेंगे। इधर उधर के शैम्पूस को अप्लाई मत कीजिए। हालांकि ये शैम्पू अच्छा है, लेकिन ये केराटिन ट्रीटेड बालों के लिए इतना अच्छा नहीं है। दर्शना खत्री, इन्होंने कहा है कि उनको ऐसा एक रेमेडी चाहिए जिससे उनके हेयर लाइन ग्रो हो जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ ट्राई किया है लेकिन कोई रिजल्ट उनको नहीं मिला है, और वो मेरा रिप्लाई चाहती है। तो दर्शना, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो भी रेमेडी आप ट्राई कर रही हो ना, वो मेरा चैनल देख के हो या फिर किसी और का चैनल देख के, तो उसको आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, एटलीस्ट 3 महीना तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएंगे। अगर आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है ना, तो इंस्टेंटली उसको बंद करने के लिए आप भृंगराज का रस लगा सकते हो। मार्केट से भृंगराज का तेल खरीद के भी आप लगा सकते हो, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। मैंने अपने चैनल पे एक साल पहले एक रेमेडी डाला हुआ है, उस रेमेडी को आप ट्राई कर सकते हो। उसके लिए आपको लेने हैं लाल गुड़हल के फूल, गुड़हल के पत्ते, लाल प्याज और एक छोटा चम्मच कैस्टर ऑयल। इनको मिक्स करके इसका एक गाढ़ा सा पैक बना के आपको अपने पूरे स्कैल्प में लगाना है, और 1 घंटा रख के उसके बाद शैम्पू कर देना है, और इसको आपको हफ्ते में 2 बार करना है और रेगुलरली करना है। धीरे धीरे ना आपके हेयर फॉल कम हो रहे हैं एंड नए हेयर ग्रो भी हो रहे हैं,
और इसके साथ एक चीज ट्राई कर सकते हो, अगर आप ऑयल अप्लाई करते हो तो यू कैन ट्राई रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, किसी अच्छे ब्रांड का रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। आप जो तेल इस्तेमाल करते हो उस तेल का 4 बड़े चम्मच लेके उसके साथ 4 ड्रॉप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल मिला के अपने पूरे स्कैल्प पे लगा के रात भर रखिए, और सुबह ये जो पैक मैंने बताया इसको अपने बालों पे लगाइए और शैम्पू कर दीजिए। हफ्ते में इस रूटीन को आपको 2 बार करके फॉलो करना है, और उसके बाद 1 महीने कीजिए। 1 महीने में तो हेयर फॉल कम हो ही जाएंगे, 3 महीने बाद से आप धीरे धीरे बालों में ना वॉल्यूम देख पाओगी, छोटे छोटे हेयर ग्रोथ होंगे, तो उसको आप करो। लाइफ लाइन इन्होंने लिखा है कि हाउ मच हेयर कैन ग्रो इन अ मंथ। ओके, सो दिस इज अ वेरी टफ क्वेश्चन, ऐसा तो मैं नहीं बता सकती कि कितने बाल 1 महीने में ग्रो कर सकते हैं हम लोग, और ये आपके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी डाइट, खाना पीना, आप किस एनवायरमेंट पे रहते हो, उस बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बैठ के हम नहीं कह सकते, अगर आपका बॉडी काफी स्ट्रांग है, इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रांग है, आप अच्छा खाना खाते हो एंड यू आर मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, देन 1 महीने में आप अगर लेंथ वाइज बात करें तो 1.5 इंच तक हेयर ग्रोथ तो हर किसी का हो ही जाता है। सो गाइज, चलिए लेते हैं अगला सवाल। यहाँ पे रितिका कुमारी, इन्होंने लिखा है कि वो कैस्टर ऑयल को बालों में 3 से 4 दिन लगा के रखना चाहती है, इसे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। एक्चुअली क्या होता है ना, मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि 2 दिन से ज्यादा कैस्टर ऑयल को मत लगा के रखिए, बहुत ही भारी तेल है तो स्कैल्प के जो पोर्स है ना वो क्लॉग्ड हो सकते हैं, तो उससे ज्यादा हेयरफॉल हो सकता है। बेहतर ये रहेगा कि आप इसको 2 दिन लगा के, मैक्सिमम 2 दिन लगा के रखिए, उसके बाद शैम्पू कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि कैस्टर ऑयल को ज्यादा समय तक लगा के रखने के बाद आपके बाल बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे और बहुत जल्दी जल्दी हेयर ग्रो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 दिन इनफ है, उसके बाद आप इसको शैम्पू करके वॉश कर दीजिए। सो गाइज, ये था मेरा आज का संडे Q&A का एक वीडियो, जहां पे मैंने आपके सवालों के जवाब दे दिए हैं। किसी किसी का सवाल छूट गया है क्योंकि मैंने बहुत लंबे समय तक गैप रखा था संडे Q&A वीडियो में, मुझे ना एक ही तरीके के सवाल मिल रहे थे, तो इसीलिए मैंने उसको नहीं बनाया। पहले बहुत ऐसे सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं वीडियोज में, इसीलिए तो फिर से मैंने आज संडे Q&A बनाया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो मुझसे। बहुत जल्दी और एक वीडियो लेकर मैं आऊंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने बालों का और अपने चेहरे का भी ख्याल रखिए, और मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।